आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऐलान के बाद इस वक्त बनीगाला में जश्न का समा है। ये रिपोर्ट भी आपने देखी और आपको ये भी बताएं कि बीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के धरना मौखर करने के ऐलान के बाद बनीगाला में तैनात पुलिस अहलकारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। अहलकार एक दूसरे को गले लगा लगा कर मुबारकबादें देते रहे। मैं आपको कहता हूं कि अब वापस घरों पे जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, क्योंकि कल आपने वापस आना है इस्लामाबाद। इमरान खान के धरना मौखर करने के ऐलान के साथ ही बनीगाला में तैनात FC वफाकी पुलिस और पंजाब पुलिस के अहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी अहलकारों ने नाराबाजी करके जश्न का समा बांध दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस पूरी ड्यूटी के दौरान कोई भी मिसहैप नहीं हुआ। अगर छोटा मोटा कोई दख्ल पहल हुई है तो हम माजरा चाहते हैं, अगर हमारी तरह से किसी के साथ कोई जाती हुई। और सबसे ज़्यादा अच्छी ड्यूटी करने पर सबको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। कल फिर ड्यूटी होगी, कल इसी तरह उन्होंने कोई यौम तशक्कर बनाना है, जो भी है जलसे का प्रोग्राम उसमें हमने भरपूर सिक्योरिटी ड्यूटी में उनका तआवुन करना है। सिक्योरिटी अहलकारों ने धरना ना होने को खुशाइन करार दिया, कहते हैं मुल्क बड़े तसादम से बच गया। उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर धरना इसी तरह जारी रहता तो तसादम की वजह से अवाम का भी नुकसान होता था और फोर्सेस जितनी लगी हुई उन सब का नुकसान होता। SPCT वफाकी पुलिस मोहम्मद जुबैर ने भी FC वफाकी पुलिस और दीगर अजला से आए हुए पुलिस अहलकारों का शुक्रिया अदा किया और उनके हक में नारे लगाए। कैमरामैन मसूद अहमद के साथ मोहम्मद फैजान खान, इस्लामाबाद।